भाइयों, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, आज देश को बर्बाद करने में मोदी जी लगे हैं। और मोदी जी हमेशा ये कहते हैं कि मेरी गारंटी, अब वो बीजेपी गारंटी नहीं बोलते या उनके सरकार की गारंटी नहीं कहते, वो हमेशा ये कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी। मैं बताता हूं मोदी जी की गारंटी क्या है। मोदी जी की गारंटी यह है, उन्होंने 2014 में ये कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल युवाओं को दूंगा। क्या उसने दिया? क्या उसने 2 करोड़ नौकरी दी? अरे एक प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता है? आप झूठ बोल रहे हैं, मोदी झूठ बोलता है? नहीं, ठीक है। अब फिर उसने ये कहा कि बाहर से काला धन लाकर हर एक को 15-15 लाख उसके जोब में डालूंगा बोला। आपको 15 लाख मिले? नहीं मिले? फिर मोदी झूठ है क्या? आप झूठ है, मोदी झूठ है। फिर 2022 तक सभी लोगों के लिए पक्के मकान मैं बनाऊंगा कहा। क्या पक्के मकान सबके बने? नहीं बने? तो मोदी झूठ है क्या? लोग झूठ है? मोदी झूठ है। किसानों की आमदनी 2 गुनी करने का उन्होंने वायदा किया था, क्या उसने हर एक को मकान दिया, पक्का मकान दिया? नहीं। तो वो झूठ है, यानी मोदी जी झूठों के सरदार है। उसके बाद पटना को स्मार्ट सिटी बनाने का उन्होंने वायदा किया और धोखा दिया, और 10 सालों में मोदी जी घूम घूम कर इस योजनाओं का उन्होंने प्रचार किया, लेकिन आज किसी को भी वो फायदे नहीं मिले। फिर भी वो कहते हैं कि बेरोजगारी निकालूंगा। अरे उस इतने कीमतें ऊपर गए हैं, फिर भी मोदी ये कहते हैं कि मैं सारे लोगों को सुखी और समृद्धि करूंगा। भाइयों, मोदी जी के स्टेट में 25,000 लोग सुसाइड करते हैं 3 साल में, क्योंकि नौकरी नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, काम नहीं। आज मोदी के स्टेट में 25,000 लोग 3 साल में मर चुके हैं, सुसाइड कर लिए। 500 स्टूडेंट सुसाइड कर लिए हैं, फिर भी मोदी कहते हैं ये मोदी की गारंटी। तुम्हारी गारंटी क्या है? सबको मालूम है, सबको धोखा देना यही गारंटी है आपकी। भाइयों, मैं दूसरी बात ये कहूंगा, उन्होंने नौकरी का वायदा किया था, उन्होंने तो नहीं दिया, लेकिन तेजस्वी ने जो वायदा किया था वो उसने करके दिखाया। और आप लोगों को 3 लाख नौकरियां उन्होंने दी, तो ये समझिए इंडिया गठबंधन वाले जो कहते हैं वो करते हैं, उसका उदाहरण यही है। तीसरी बात, आज इंडिया गठबंधन बीजेपी का मुकाबला कर रही, मोदी का मुकाबला कर रही। जब तक आप मोदी को नहीं हटाएंगे, इस देश में सुख और समृद्धि नहीं रहेंगी, लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा। संविधान बचना है,
लोकतंत्र बचना है तो आप सभी लोग मोदी को हटाना चाहिए, बीजेपी को हटाना चाहिए, क्योंकि ये हर युवाओं का, हर आदमी का ये इच्छा है। इसलिए भाइयों, पहला काम हमारे नौजवान साथियों से मैं अपील करता हूँ, ये आपका काम है, देश का संविधान बचाना, लोकतंत्र को बचाना, ये आपका काम है। और एक बात मैं कहता हूँ, आज जो भी इस ऐतिहासिक पटना में जो वायदे हो रहे हैं, सब लोग मिलके यहाँ पर आए हैं, तो वो आज मजबूती से काम करना चाहते हैं। ये बीजेपी ईडी को लेके, इनकम टैक्स को लेके, विजिलेंस को लेके डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये डराने का, धमकाने का काम बीजेपी करेगी, मोदी करेगा, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं। हम कट जाएंगे लेकिन झुकने वाले नहीं। तो ये इसीलिए तो आज लालू जी के ऊपर इतने केस है, वो जब छुटाते हैं एक के बाद एक केस करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी सरकार के सामने झुके नहीं, सरकार के सामने कभी उन्होंने शरण नहीं गया। लेकिन तेजस्वी जी कहां गए? उनके चाचा शरण में गए, आपका चाचा शरण में गए और बोल रहे हैं बाहर जाके, मैं थोड़े दिन के लिए बाहर गया था। कौन ये तो नीतीश ने बोला ना, नीतीश ने क्या बोला? थोड़े दिन के लिए बाहर गया था, मैं फिर वापिस आया हूँ, आपके चरणों में ही मैं रहूंगा, ये उसने कहा। लेकिन आपके चाचा तो मामू की चाय पीने के लिए गए हैं, आपके चाचा मामू की चाय पीने के लिए गए हैं, लेकिन कल वो चाय पी के वापिस आएंगे, फिर नहीं लेना आपको, फिर उनको वापिस नहीं लेना। इसीलिए जो लोग आइडियोलॉजिकली तत्वों के ऊपर अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाते, तत्वों के आधार पर लड़ते नहीं, उन लोगों को आप कभी लेना नहीं। और फिर हम मिलके करना है, जरूर 2024 में हम सभी मिलके ज्यादा से ज्यादा सीट लाएंगे और बीजेपी को हराएंगे, यही मैं बात करता हूँ। आखिरी एक शेर कह के मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूँ। खोटे सिक्के उछालते रहिए भाइयों, खोटे सिक्के उछालते रहिए, काम अपना निकालते रहिए। ये मोदी को बोल रहा हूं मैं, मोदी जी। और आज हमारे तेजस्वी के चाचा जो गए, उनके लिए बोल रहा हूं। खोटे सिक्के उछालते रहिए, काम अपना निकालते रहिए, लोग सीधे हैं जो उन्हीं यूं ही झूठे वायदों पे टालते रहिए, लोग सीधे हैं जो उन्हें यूं ही झूठे वायदों पे टालते रहिए। ये है बच्चे पहल की जाएंगे, ये है बच्चे पहल ही जाएंगे, आप पानी उबालते रहिए, आप पानी उबालते रहिए, माल जैसा मिले मेरे राइवर, माल जैसा मिले मेरे रायबर, अपनी झोली में डालते रहिए। ये मोदी का है, वो अपने झोली में डाल रहा है,
अब चाचा भी गए हैं तो उनकी झोली भरने के लिए गए हैं। हमको लड़ना है, लड़ते लड़ते जब लड़ेंगे नहीं जीत हासिल नहीं करेंगे। इसलिए मैं आप सभी से यही अपील करूंगा, आप मजबूती से लड़ो, हम आपके साथ हैं। पूरे हमारी यंग टीम जितने भी यहाँ बैठी है, अखिलेश हो, तेजस्वी जी हो, राहुल गांधी जी हो और पूरे पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं, मजबूती के साथ लड़ के आपके हकूक हम दिला के रहेंगे। यही मैं बात करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। अरे जोर से बोलो, इतने नौजवान लोग हैं, मेरा जैसा आदमी बोल रहा है। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद सबको।